मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश करेगी। यह यात्रा विधायक मलिंदर राजन के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे स्वयं यहां पहुंचे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मिल गया तो और क्या चाहत होगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री मिल गया क्या चाहत होगी। जो लोगों ने आशा कर रखी है कुछ और मंत्री मिलेंगे कांग्रेस, क्या नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, विकास कांगड़ा में होना चाहिए। हमने खुद कांगड़ा का एक अभी चौधरी चंद्र कुमार जी को रिजन से मंत्री मिला, दो साल चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी मिल गया, क्योंकि जो और भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें विस्तृत तौर पर सोचा जाएगा। लेकिन आप निश्चित तौर पर ये मैं खुद कांगड़ा से हूँ, इस प्रकार की बातें अभी तो विकास देखना है अपने, जो आने वाले समय में कांगड़ा में जो विकास होगा वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, राहुल गांधी जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में मैं आया हूँ और हमारे मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी, लोकल जो MLA अमरिंदर राजन जी, इनके क्षेत्र से ये हमारी जो पद यात्रा है ये निकलेगी, उस संदर्भ में तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने 3000 किलोमीटर की जो अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी आज से कोई 4-5 महीने पहले, उसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस जन उनकी इस यात्रा को बड़े उत्साहपूर्वक देखने के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हम सब लोग इस कार्यक्रम के तहत अभी यहाँ आए। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।